नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक पे, और आइए जानते हैं हम कि यहाँ पर जो इतना जो भीड़ है, यहाँ इतना मजमा लगा है, तो क्या वजह है सब लोग जो यहाँ पर संविधान चौक पे आके बैठे हैं। तो जानते हैं हम, सर आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं राजेंद्र साठे, CITU का अध्यक्ष हूँ। मैं सर, अभी आप लोग जो यहाँ पर सब जमा हुए, इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह यह है कि 2007 से काम करने वाली आशा वर्कर जो 500 रुपये महीने से जो सिर्फ काम के अनुसार उनको मिलता था, उसके अनुसार काम करती थी। 2018 में 1000 रुपये बढ़े, 1500 हुई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल जून महीने में सिर्फ 2000 रुपये उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन जो भी पैसा जो केंद्र शासन की ओर से और राज्य शासन की ओर से मिल रहा है, ये पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें भी बाकी कुछ कटौती की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में, मतलब मार्च 2020 से, आशा वर्कर और गट प्रवर्तक ये लगातार काम कर रही है। कई हमले उनके ऊपर में हुए हैं, कई जगह गर्म पानी डाला गया, लाठियाँ लेकर दौड़े हैं लोग, पत्थर मारे गए हैं, गाली गलौज की गई है। लेकिन सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है और ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये काम करते रही है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप सोचोगे कि सारे देश में कोरोना के काल में आशा वर्कर ने जो महत्वपूर्ण काम किया है सारा देश जानता है, लेकिन आशा वर्कर को पैसा कितना मिला ये कोई नहीं जानता। सच्चाई यह है कि ये कोरोना काल में 1.5 साल से आशा वर्कर काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ओर से फूटी कौड़ी भी आशा वर्कर को नहीं दी। आज 8-8, 10-10 घंटे आशा वर्कर से काम किया जा रहा है, यानी लोगों के घर में जाने का, लोगों की तबीयत कैसी है, क्या है, उसकी जानकारी पूरी लेना, वो शीट में लिखना, उनका ऑक्सीजन लेवल देखने का है, उनका टेम्परेचर लेने का, अगर उनकी तबीयत ख़राब है, कोरोना पॉजिटिव है तो उनको दवा देना, और कोरोना पॉजिटिव लोगों का भी टेम्परेचर लेना और ऑक्सीजन लेवल लेना, ये महत्वपूर्ण काम आशा ने किया है। वैक्सीनेशन काम में भी आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई गई है, RT-PCR टेस्ट में भी आशा की ड्यूटी लगाई गई है, और ये सारा करने के साथ में जो उन्हें जो सुविधा देनी चाहिए थी, वो कोई भी सुविधा आशा वर्कर को महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं दी है, ना मुआवजा दिए ना सुविधा दी है। हमारी मांग यही है, 8 घंटे आप जिनसे काम लेते हो उन्हें 50-50, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, और आज वो भी कर्मचारी घर में बैठे हैं, क्योंकि कम से कम कर्मचारियों में सरकारी काम चल रहा है। आशा वर्कर से इतने कठिन काल में भी जो 8-8, 10-10 घंटे आप काम ले रहे हो, तो आशा वर्कर और गट प्रवर्तक इन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिले और इन्हें किमान 22,000 रुपये वेतन मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ में जो मरने के बाद में, यानी कोरोना से मरने के बाद में 50 लाख की पॉलिसी की जो बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमें एक तो भी भारत में दिखाइए कोई आशा वर्कर या गट प्रवर्तक मरी और उनको 50 लाख रुपये मिले, 50 लाख रुपए मिले, ऐसी एक तो भी ऐसा बताए कि ये किसी को भी अभी तक के पैसे दिए नहीं गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आप पिछले मार्च महीने से काम करा रहे, 1.5 साल हो रहा है, हमने अभी तक के 500 रुपए की मांग की, फूटी कौड़ी भी दिए नहीं है, और जून पिछले साल के जून महीने के अंदर में हमारे आरोग्य मंत्री जो है राजेश टोपी जी, हमारे CITU के जो राज्य महासचिव है सलीम पटेल, इनसे जब पुणे में बात हुई तो उनको बोले थे कि आपकी मांग जायज़ है, और आपकी मांग जायज़ होने की वजह से हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा समय हुआ है, लेकिन वो सोच ही रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले उद्धव ठाकरे ने भी यही बात बोले थे, जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, कि आपकी मांग जायज़ है, मैं उसके बारे में सोचूंगा और कुछ अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। कम से कम आपको सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं तो आपका घर परिवार चले, इतना तो भी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो फडणवीस जी ने जो वादा किया था आपसे, जो तो आपकी सहायता की है, फडणवीस जी ने जो बोले थे या उद्धव ठाकरे जी ने जो बोले थे, आज तक के उन्होंने अपनी बात को रखे नहीं है, और कोई भी सहायता आशा वर्कर और गट प्रवर्तक को उन्होंने दिए नहीं है। इसी की वजह से हम इनको कई खत लिख चुके हैं, अपनी मांगे रख चुके हैं, मीटिंग करो ये बोले हैं। 10 तारीख को मीटिंग जो मुंबई में हुई मंत्रालय में, जिसमें मैं खुद कृति समिति की ओर से मैं खुद प्रेजेंट था, सारी बातों को उन्होंने सोचे समझे, और उसके बाद में उनका जवाब यही था
कि मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बात क्या करूँगा, हम तो 1.5 साल से आपकी सरकार बनी तब से आपको ये मांग रहा तब से आपके सामने मांग रख रहे हैं। 31 तारीख को हमने जो कृति समिति की ओर से जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनको जो लेटर जो भेजे थे, वो जो नोटिस भेजे वो नोटिस के अंदर में सारी बातें लिख के आई है। अब 31 तारीख से 10 तारीख तक का 11 दिन का समय मिला, इतना समय सोचने के लिए मिला तो और कौन सा समय चाहिए सोचने के लिए। हमने अभी अपनी कमर कस ली है, ये स्ट्राइक होगा यानी होगा, और उस वक्त तक ये स्ट्राइक पीछे नहीं लिया जाएगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। मेरा नाम श्याम काड़े है, आईटेक महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर अभी यहाँ पर जो इतना हज़ारों की तादाद में जो ये आशा वर्कर बैठे, तो इनकी मांग क्या है सर, ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर और कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, आशा वर्कर ये आरोग्य सेवा में काम करने वाला एक घटक है। हम चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से सरकार आरोग्य सेवा में आशा और घटक प्रवर्तकों को कायम करे और वेतन दे, इस मांग के लिए ये लोग सब बैठे। और मार्च 2020 से जो कोरोना महामारी इस देश के अंदर आई, उससे निजात पाने के लिए जो लोग रात दिन मेहनत किए हैं, डट के उन्होंने मुकाबला किया, ऐसे ये आशा वर्कर है, तो इन्हें कोविड काल का प्रोत्साहन भत्ता सरकार ने देना चाहिए, इस मांगने के लिए भी आंदोलन शुरू है। तो सर ये आंदोलन कब तक रहेगा, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो कब तक रहेगा? आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि अच्छे अच्छे सरकारों को जनता के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। ये तो संगठित लोगों का आंदोलन है, ये असंगठित कामगार हो गए, लेकिन ये यूनाइटेड है और देश भर में यूनाइटेड है। महाराष्ट्र के अंदर एक कृति समिति करके प्लेटफॉर्म बना है जिसमें तमाम संगठनाएं हैं, और उस संगठनाओं ने ये सम का कॉल दिया है। सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से लोकशाही के मार्ग से ये आंदोलन चला रहे, समय पड़ा तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन सर आप लोग तो यहाँ पर परमानेंट की बात कर रहे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए, हमको इतना सैलरी दिया जाए, बाकी सरकार तो प्राइवेटाइजेशन कर रही हर डिपार्टमेंट को, तो इसमें आप क्या कहेंगे सर? आप वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप परमानेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से गुहार लगाना नहीं चाहेंगे हम, सरकार को आश्वासन जो सरकार ने दिए थे इन कर्मचारियों के प्रति, उनकी याद दिलाना चाहते हैं। और हम गुहार ये नहीं लगा रहे कि हमको परमानेंट करो और बाकी प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, तो जो सरकार की नीतियां हैं, अगर सरकार जनता के विरोधी कर्मचारियों के विरुद्ध अगर नीतियां अपनाती है तो ऐसे सरकार को बदलने का अधिकार जनता के पास है। तो 5 साल में सरकार अगर नहीं मानी तो सरकार बदलने का अधिकार तो हमारे पास है, सरकार बदल सकते हैं हम। जैसा कि सर ये कुछ आशा वर्कर बता रहे कि इनको 33 रुपये कुछ पैसा दिया जा रहा है पर डे के हिसाब से, अब जाहिर बात है कि इनको बहुत दूर दूर अपने एरिया से जाना पड़ता होगा, तो कुछ लोगों के पास में एक्टिवा वगैरह पेट्रोल तो लगता है सर, अभी पेट्रोल की कीमत आप जानते हैं, पेट्रोल की कीमत कितनी है, और 33 रुपये कुछ पैसे इनको मिल रहा है पर डे का, तो ये मेंटेनेंस कैसे करेंगे सर? ये तो सवाल आपने सरकार से पूछना चाहिए, हम ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप मात्र 1000 रुपये दे रहे हो जिसका प्रतिदिन 33 रुपया होता है, 33 रुपये में क्या आ रहा है आज के दिन में? 1 किलो गेहूँ चावल भी 33 रुपये में नहीं आता है। तो ऐसे परिवेश में हम सरकार को जगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि सरकार जागे, अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार बदलने का संकल्प हम इस आंदोलन से करेंगे। अगर सरकार नहीं जागती है तो इनका कहना है कि हम सरकार को बदलने का भी हमारे पास में ये प्लान है आगे चल के, तो हम ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो आशा वर्कर बैठी है अपने अपनी मांगे लेके, और इनके जो ऊपर सीनियर है उनका भी ये कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आने वाले दिनों में हम सरकार को भी बदल सकते हैं। हम लोग कई बार निवेदन दे चुके हैं सरकार को, मांगे हाँ निवेदन दे चुके हैं, मांगा रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। 2 साल से हम कोरोना का काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, घर घर जाके पूरी जांच करवा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की। हमको जो 1000 रुपये भत्ता दिया जा रहा है वो 1000 रुपये पे कॉर्पोरेशन का तरफ से हमको काम करवा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक 8 घंटा तुम काम करो, ऊपर नहीं तो फोकस लेटर देते हैं हम, ऐसे हमको धमकियां भरे दबाव बनाते हैं अधिकारी, ये दबाव के नीचे हम लोग काम करते कर रहे हैं। लेकिन हमारी यही मांग है सरकार से, क्या गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और कम से कम हमारा किमान वेतन 22,000 देना चाहिए, और बीपीएल एपीएल की ऑर्डर रद्द करना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने उस दिन इसी लिया
हर जिले से एक आशा वर्कर है, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही 4 आशा वर्कर से बात की, लेकिन हमारा जो दुख है वो उनके उन तक पहुँचे ऐसा हम लोगों को लगता था, लेकिन बात नहीं की है उन्होंने, वो भी दुख है। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग जो बेमुद्दत संप है वो जारी रहेगा हमारा। हम ऐसे उनको ये देते हुए कहते हैं, और जो हमारा 50,000 का बीमा है मोदी साहब ने जो ये करवाया था, हमारी कुछ आशा बहनें पॉजिटिव आई है, वो कुछ मर गई है, लेकिन अभी तक उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि मोदी जी को भी अपील करते हैं कि आशा बहनों के लिए कुछ करो, नहीं तो हमारा जो बेमुद्दत संप है वो जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। आपने जैसा पिछले बार इंटरव्यू के अंदर बताया कि आपको ये आश्वासन दिया गया था कि परमानेंट किया जाएगा, तो ये परमानेंट का मतलब किसने आश्वासन दिया था आपको? मोदी साहब बोल रहे हैं मेरा देश, वो अपना देश बचाने के चक्कर में क्या उन्होंने देश को खाली करके रखा है। मोदी जी से मैं अपील करती हूँ आशा वर्कर के तरफ से, जल्दी से जल्दी हमारे मांगे पूरे कीजिए, नहीं तो हम लोग जो बेमुद्दत संप है वो जारी रहेगा। वो कुछ हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री साहब को भी मैं बोल रही हूँ आशा बहनों के तरफ से कि हमारे लिए कुछ ना कुछ कीजिए जल्दी से जल्दी, हम आशा करते हैं आपके तरफ से। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निधि नीलेश रामटेक है। आप यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? आप ये यहाँ पर कितने लोग आए टोटल? यहाँ हमारे 2 से 3 हज़ार आशा वर्कर और घटक प्रवर्तक है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम 2020 से मार्च 2020 से कोरोना का काम कर रहे हैं, फिर हमको तभी भी 300 रुपये रोज जो देने का उन्होंने बोला था, मुंडे साहब थे आयुक्त, जब उन्होंने बोले थे कि 300 रुपये रोज देंगे, फिर उन्होंने हमको एक भी रुपया नहीं दिया है, और हमारे तरफ से कोरोना में काम करते ही करते जा रहे हैं, और अभी बोल रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट करवाना आशा को करना है, पर ये एंटीजन टेस्ट करवाना आशा का काम नहीं है, ये काम ये आपको 300 रुपये रोज जो प्रशासन की तरफ से बोला गया था, किसने बोला था आपको 300 रुपये रोज किया गया था? 300 रुपये रोज ये आयुक्त ने बोले थे हमको कि 300 रुपये रोज हम देंगे, आप कोरोना का सर्वे कीजिए। हमने सर्वे किया 6 से 7 महीने फ्री में सर्वे किया, फिर भी हमको 1 रुपये भी अभी तक मिला नहीं। तो अभी आप जानते हैं कि महंगाई बहुत चरम पर है, जैसा खाने का तेल का भाव देख लो आप, पेट्रोल डीजल का भाव देख लो, तो आपको अभी 2,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो ये 2,000 रुपये महीना आपको समय पे मिलता है? ये 2,000 रुपये जो महीना है हमको समय से मिलता नहीं है, कभी 3-3 महीना 4-4 महीना हमको पेमेंट भी नहीं मिलता है। घर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं? घर का मेंटेनेंस बिल्कुल होता नहीं है, और कोरोना की वजह से हमारे जो हस्बैंड लोग हैं उनका भी काम है नहीं, तो घर की हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत खराब बोलेंगे तो भी चलेगा, इसलिए हम उद्धव ठाकरे जी से अपील करते हैं कि हमारी तरफ कुछ ध्यान दो, हमारा सरकारी कर्मचारी का हमको दर्जा दो, और हमारी जो मांग है वो हमारी करो, नहीं तो फिर हमारा ये स्ट्राइक है चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी होती नहीं है तब तक हमारा स्ट्राइक ये बेमुद्दत चालू रहेगा। नागपुर में टोटल कितने आशा कर्मी है अंदाजे? 2,500 है। 2,500? हाँ 2,500। तो अभी उनमें तो सभी यहाँ पर आए हुए? हाँ सभी आए हुए हैं, और अभी आना चालू भी है, अभी और आना चालू है। धन्यवाद मैडम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंजू चोपड़े है, मैं नरसा यूपीएससी। क्या मांग है? हमारी मांग ये है, उस दिन हमारी मांग तो पहली ये है कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा चाहिए यानी चाहिए। आयुक्त जी ने कहा, मुंडे साहब ने महानगर पालिका से 300 रुपये रोज देंगे, हमने फ्री में काम किया, हमें 1 महीना का 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली, और 1,000 रुपये जो केंद्र शासन हमें दे रहा है उसके हिसाब से हमें डेली का 33 रुपीज़ मिल रहा है। 33 रुपीज़ यानी हमारी ये बहुत बड़ा अपमान है क्या? इस महंगाई के ज़माने में 33 रुपीज़ में कोई काम करता है क्या? अगर हम आशा है तो हमारा सम्मान कीजिए, हमें वेतन दिए, हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का मांग रहे, क्योंकि हम उतना काम कर रहे हैं, और अब हम बहुत संताप गए हैं, हमें बहुत चीड़ आ रही है, इसके लिए हम अभी बेमुद्दत संप करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे यानी नहीं करेंगे, हमें हमारा दर्जा चाहिए मतलब चाहिए। तो ये थे आशा वर्कर जो कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में ये सामने आए, और आपने इन्हीं की जुबानी सुना कि इनको क्या क्या काम करना पड़ा, जैसे एंटीजन टेस्ट करना पड़ा, कोविड वार्डों में जाना पड़ा, और बहुत से और इनके काम हुए हैं, एक ये योद्धा की शक्ल में सामने आए पब्लिक की सेवा के लिए। इनसे सबको आशा थी, लेकिन इन्हीं आशा वर्करों को निराशा किया जा रहा है ये इनका कहना है, तो इनका कहना सरकार से प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं
कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी सैलरी कम से कम 22,000 रुपये पर मंथ किया जाए। अगर से ये सब इनकी मांग मंजूर नहीं होती तो ये बेमुद्दत संपे बैठने वाले हैं। अभी हम खड़े हैं संविधान चौक में, आइए आप जानते हैं हम और लोगों से। मैडम बताइए, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? हमारी मांगे पूरी करने के लिए आए। कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने 50% है यहाँ पे। 50%। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग, हमको 10,000 पगार चाहिए। 500। आप बताइए, आप इनको कुछ मालूमात नहीं, आप बताइए मैडम। हमारी मांग ये है कि हम सब आशा वर्कर को जैसे बाकी के आरोग्य खाते के लोगों को दर्जा देता है, वैसे हमको भी दर्जा चाहिए और स्थायिक पेमेंट चाहिए हमको। मानधन के ऊपर हम लोग काम कर करके अभी थक गए हैं, तो अभी हमारा स्थायिक पेमेंट 15-20 हज़ार रुपये पेमेंट चाहिए, क्योंकि रोज़ के रोज़ हमको बुलाया जाता है, काम पूछा जाता है, ये ऐसा करना है वैसा करना है, थक जाते हैं हम सर्वे कर करके। अभी जैसा कि वहाँ पर उन्होंने बताया हमको 22,000 पेमेंट चाहिए, आपकी मतलब सबकी एक मतलब रणनीति नहीं बनी, आप अलग अलग पेमेंट बता रहे, कोई 10, कोई 15, कोई 22। नहीं तो स्थायिक पेमेंट होना चाहिए ना, हमको जितना भी दो लेकिन कम से कम स्थायिक पेमेंट होना चाहिए ना। कोई 5, किसी को 2,000 मिलता है, किसी को 3,000 मिलता है, तो किसी को 10,000 मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको समान पेमेंट चाहिए, इसीलिए हम मोर्चा बनाए। ठीक है, अभी क्या बोलना चाहते हैं? अगर मांग पूरी नहीं हुई आप लोगों की तो यहाँ पर बेमुहूर्त मोर्चा निकाला जाएगा ना, बेमुहूर्त मोर्चा निकाला जाएगा। अभी तो मोर्चा निकाले, अभी कौन सा मोर्चा निकालेंगे आप? मांग पूरी नहीं हुई, मांग पूरी नहीं होने के बाद में पेमेंट तो पूरी होगी, क्योंकि बोले हैं हम लोगों को एक साल हो गया है तो बोला जा रहा है, लेकिन अभी हाथ में तो ठीक तरीके से पेमेंट मिला नहीं है। आइए जानते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर ये सामना आशा कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पर, और इनकी मांग है जो बोलते जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, सरकार से इनकी गुहार है। आइए जानते हैं हम और लोगों से। मैडम बताइए आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बताइए मैडम आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम बेमुद्दत संपे है, अभी हमें मानधन नहीं, हमें वेतन चाहिए, इसीलिए। कब तक बैठेंगे? अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप यहीं पर बैठे रहेंगे? यहीं पर बैठे रहेंगे या घर जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे? और अगर से आपकी मांग पूरी हो जाती है तो आपकी जो पेमेंट की बात है तो पेमेंट आपका यहाँ पर बाकी लोग बता रहे बहुत कम पेमेंट है, 33 रुपये कुछ पैसे पर डे मिल रहा है आपको, तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि कितनी पेमेंट आपकी चाहिए? कम से कम 500 रुपये दिन के तो होने चाहिए, क्योंकि हम दिन भर धूप में घूमते हैं, बारिश हो या सर्दी के दिन हो या धूप के दिन हो, हम हर ऋतु में घर के बाहर काम करते हैं। जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं हम उनको रिपोर्ट करते हैं, उन लोगों का ऐसे में बैठने वालों का पेमेंट लाखों रुपए में है, और हम घर घर जाके रास्ते पे घूमते तो हमारा पेमेंट इतना कम। तो अभी आपको क्या क्या काम किया जाता है इसके अंदर, क्या क्या काम लेते हैं आपसे? हम अभी तो जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं हम उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके पास भी जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी देखते हैं, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी का ख्याल रखते हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि हमको जो कोविड पॉजिटिव की टेस्टिंग जो होती है वो टेस्टिंग भी अब आशा ही करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कोविड पॉजिटिव की टेस्टिंग आप ही करेंगे? हाँ। तो अभी तो सुनने में आया कि अभी जैसा शॉप टू शॉप अभी चेकिंग जो चालू, आशा वर्कर कुछ आए थे कुछ जगह पर देखे हमने उनको, तो अभी डोर टू डोर भी काम चालू होने वाला, तो क्या उसमें भी सब आप लोग काम करेंगे? हाँ, डोर टू डोर तो हम हमेशा ही करते हैं काम। वैक्सीनेशन का भी काम आपकी तरफ आएगा? हाँ, अभी तो चालू है ना हमारी वैक्सीनेशन में ड्यूटी चालू है ना हमारी। वैक्सीनेशन कहाँ दे रहे आप, घर डोर टू डोर दे रहे या कहीं? नहीं नहीं, वो कैंप लगे रहते हैं हॉस्पिटल में या हर गांव में कैंप रहते हैं, तो वहाँ पे बस हमारी ड्यूटी लगी होती है, वहाँ जाने के बाद जैसे लोगों को सैनिटाइजर देना, उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए मतलब निर्देश देना, बस ऐसे काम रहते हैं। सुनने में आया कि आपके आशा टीम के अंदर कुछ 5-6 हज़ार लोग है, बाकी यहाँ पर अभी फिर भी हजारों की तादाद में लोग है, तो अभी क्या और लोग यहाँ पर और आएंगे, शामिल होंगे लोग और? हाँ जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे ना, जितने 63,000 आशा है बोलते, तो उनमें से हम लोग इतने आए हैं, बाकी के और आएंगे। आपका नाम बताइए। नहीं नाम बताइए।
आपका नाम बताइए। हम WCL से है, उमरेड तालुका नागपुर डिस्ट्रिक्ट। हमारा सरनेम पोकड़े है, हम WCL में काम करते हैं। WCL में काम करते हैं। आप नाम से इतना मत घबराइए, नाम से कुछ नहीं होगा मैडम। जब अपने हक के लिए बैठे तो घबराइए नहीं। आइए आप जानते हैं हम और कुछ और लोगों से। बताइए आप यहाँ पर क्यों बैठे, सबसे पहले आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम वंदना अरुण मनकवड़े है, काटुलता काटुल तालुक। वंदना अरुण मनकवड़े है। आप यहाँ पर काय के लिए बैठे, किस काम से बैठे आप यहाँ पर? हमारी मांगनी है कि हमें मानदान नहीं वेतन चाहिए। कोरोना काल को 12 महीने से ज़्यादा वक्त हो रहा है, हम सब बहनें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो कोई नहीं करता। जो पेशेंट रहता, पॉजिटिव पेशेंट रहता, उसके सामने कोई बड़े बड़े पगार वाले नहीं जाते। हम कम पैसे वाले, सिर्फ 1000 रुपये महीना देता है। हम सब आशा बहनें एक पेशेंट को 14 दिन तक विजिट देते हैं, उसका SPO2 टेम्परेचर लेते हैं। उसके पास कभी कभी तो उसके माँ बाप भी उसके पास नहीं जाते, लेकिन हम जो है आशा बहनें हमारे बच्चे समझकर उसके पास जाते हैं। लेकिन घर के लोग डरते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चे समझकर हम उसके पास जाते, सेवा देते। लेकिन हमारे हमें जो हम जो सेवा देते उसका मुबदला हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें भी बच्चे हैं, घर है। हम जब घर में जाते हैं हमारे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी बाहर मत जाओ, मम्मी बाहर मत जाओ। उसको भी डर लगता है। टीवी में ऐसी न्यूज़ देखते हैं किसके माता पिता मर गए कोरोना वजह से, तो हमारे बच्चों को लगता है कि हमारी माँ रोज़ रोज़ बाहर जाती है तो हमें भी ऐसे अनाथ होना पड़ेगा क्या, ऐसे लगता है। इस वजह से हमें जो इतने हमारा कहना है कि हमें हमारा जो मुबदला है, हम काम करते हैं उसके काम का मुबदला। तो देखिए ये है आशा वर्करों का दर्द, जो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बैठे हैं आप देखिए, और इनका दर्द आप सभी ने इन्हीं की ज़ुबानी सुना है कि इन्हें 33 रुपये कुछ पैसा पेमेंट दिया जा रहा है। और ये जो पॉजिटिव पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट को ये अपने बच्चे समझ के उनकी खिदमत कर रहे हैं। इनका यही मांग कहना है कि जब हम इतना परिवार छोड़ के, अपना बच्चे छोड़ के, इनके परिवार में इनके बच्चों को भी इनकी सेहत का डर है कि आप इतना महामारी में बाहर निकल रहे हैं और आपको कहीं कुछ ना हो जाए, बावजूद उसके भी अपने फैमिली का, अपने बच्चों का नहीं सुन रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की ये सेवा रात दिन कर रहे हैं। और इनका ये डिमांड है कि इनको इनका मुआवजा सही ढंग से, इनकी मेहनताना मिलना चाहिए। तत्काल न्यूज़ नागपुर से, मैं अब्दुल शेख।